गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ओके द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज इन इन वन वन नॉक्टी मतलब एक बार में तीस को नॉक कर दिया नॉक मतलब धराशाई कर दिया ठीक किसी को मार दिया धराशाई कर दिया ठीक ओके नाउ लेट्स रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट चैप्टर सेस

गर्दन को बाहर निकाला एंड फाइंडिंग द हनी ऑफ गुड क्वालिटी और जब उसने पाया खिड़की से जब उसने अपने गले को बाहर निकाला और देखा जो शहद है वो अच्छी क्वालिटी का है तो उसने दो चम्मच शहद खरीद लिया ठीक द पुअर हनी सेलर वेंट अवे एस नेवर सोल्ड सो लिटिल हनी बिफोर और उसके बाद जो बेचारा गरीब शहद बेचने वाला था वो चला गया ठीक दुखी मन से चला गया क्योंकि कभी भी उसने इतना कम शहद नहीं बेचा था दो चम्मच केवल उसने शहद खरीदा था जो दर्जी था ठीक है और उससे इससे कम शहद उसने कभी किसी को नहीं बेचा था तो इस बात से दुखी होकर वो चला गया बट ही कुड नॉट रिफ्यूज हिम लेकिन वह उसको मना नहीं कर पाया किसको मना नहीं कर पाया टेलर को कि वो दो चम्मच खरीद रहा था लेकिन वो उसको जो हनी सेलर था वो मना नहीं कर पाया क्यों मना नहीं कर पाया ही बींग द फर्स्ट कस्टमर ऑफ द डे क्यों क्योंकि वो जो टेलर था वो उसका पहला ग्राहक था और वो अपनी जैसे होता है ना कि ग्राहक को कभी वापस नहीं करते हैं वो, तो वो उस दिन का उसका पहला ग्राहक था इसलिए उसने थोड़ा शहद लिया लेकिन उसने उसको दो चम्मच शहद बेच दिया ठीक द टेलर कट हिमसेल्फ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रेड इट विथ हनी एंड डिसाइडिंग टू इट इट आफ्टर हैविंग फिनिश द शर्ट इन हैंड प्लेस इट ऑन द टेबल इसके बाद टेलर ने क्या किया जो ब्रेड के एक स्लाइस को कट किया ठीक और उसमें हनी को मतलब शहद को स्प्रेड किया लगाया ठीक एंड ये डिसाइड किया कि वो उसको थोड़ी देर बाद खाएगा और कब खाएगा जब वो जो उसके हाथ में जो शर्ट है उसको जब सिल लेगा उसके बाद तभी वो उसको ब्रेड को और हनी को खाएगा और हनी लगा करके उसने ब्रेड में वहीं टेबल पे रख दिया ठीक सो so, हमने देखा

ऑन द स्लाइस तो उसने जब वापस आया वो टेबल के पास ब्रेकफास्ट टेबल के पास खाना उसको जो उसने ब्रेड और उसमें शहद लगा के रखा था तो वहाँ पे जब वापस आया तो उसने क्या देखा कि उसके आसपास जो स्लाइड के स्लाइस के आसपास पास चूंकि हनी लगा हुआ था तो काफी मधुमक्खियाँ जो काफी मक्खियाँ उसके ऊपर भिन्न भिना रही थी जाहिर सी बात है कुछ मीठा लगा रख रख देते हैं हम तो आसपास मक्खियाँ भिन्न भिनाने लगती हैं तो सेम सॉन्ड मतलब भिन्न भिनाना मक्खियों का ठीक है तो वो मक्खियों का झुंड आकर के वही स्लाइस के ऊपर भिन भिना रहा था ही क्राइड यू लिटिल थिंग्स तो उसने चिल्लाया गंदी गंदी चीजें हाउ डेयर यू डू डेट तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की एंड पिकिंग अप द शर्ट ही हैड जस्ट फीट और उसके बाद उसने एक वो जो शर्ट जो अभी वो सिल करके खत्म किया था उसने उसकी सिलाई उसको उठाया ठीक ब्लू अवे द फ्लाइज वॉलेंटली उसने फ्लाइज को उड़ा दिया ठीक है गुस्से से रफ तरीके से बड़े तरीके से, होता है ना कि कुछ चीज मक्खियां पड़ जाती है तो हम लोग ऐसे कपड़े से या हाथ से या जो भी हाथ में होता है उसके ब्लो के कारण कई मक्खियां मर गई थी ठीक है ही काउंटेडर्टीन ऑल तो उन्होंने उसने मरी हुई मक्खियों को काउंट किया और उसने जब काउंट किया तो वो कितनी थी गिनती में तीस मक्खियां मतलब उसके ब्लो करने से तीस मक्खियां मर गई ठीक कितनी मक्खियां मर गई तीस नेक्स्ट वाओ थर्टी इन वन ब्लू हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम तो उसने जब काउंट करके देखा तीस मक्खियां मर गई हैं तो उसने कहा क्या बात है कि एक बार में मैंने तीस मक्खियों को मार दिया मैं कितना स्ट्रांग प्लीज डेट इज फीट द लिटिल टेलर सेट टू हिमसेल्फ अपनी जीत पे फिट मतलब जीत विक्ट्री अपनी जीत पे प्रसन्न होकर के टेलर ने खुद से कहा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ मैंने एक बार में तीस को मार दिया द वर्ल्ड मस्ट नो हाउ स्ट्रांग आई एम तो अब उसने क्या डिसाइड किया Yep, दुनिया को भी पता लगना चाहिए कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूं बेल्ट बनाने के लिए बेल्ट बनाने के लिए बैठ गया और उस बेल्ट में उसने अच्छे बोल्ड लेटर से उसमें एम्ब्रॉयडर्ड मतलब छापना ठीक है उभारना बोर्ड अच्छा से ये उभार दिया क्या नॉक थर्टीन वन ग्लो एक बार में तीस को धराशाई कर, करना

और अपने साथ उसने एक चीज लिया मतलब मक्खन की एक स्लाइस ली और उसके बाद अपनी जर्नी के के लिए निकल पड़ा और साथ में उसने एक पक्षी को भी अपने केज में मतलब एक जो पक्षी पाले होगा और उसके पिंजरे के साथ वो अपनी जर्नी के लिए बाहर निकल पड़ा ठीक नाउ अब देखते हैं आगे क्वाइट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी अब देखते हैं हमारी स्टोरी में आगे क्या होता है ओके okay? सो so, अब वो जैसे ही जर्नी पे निकला ग्रोइंग थ्रू द स्ट्रीट विथ हिज हेल्ड हेड हेल्ड हाई इन अ कॉक्स्योर मैनर ही रिज अ फॉरेस्ट उसके बाद वो गलियों से गुजरते हुए अपने सिर को गर्व से ऊंचा किए हुए ठीक कि वो एक जंगल में पहुंच गया अपनी यात्रा को कवर करते हुए सीइंग हिज फीट रिकॉर्डेड ऑन हिज बेल्ट अ टेरिबल जॉइट अपेट बिफोर हिम एंड मैंट और उसके बाद अपनी जो उसकी उसने जीत प्राप्त की थी उसको अपने बेल्ट पे रिकॉर्ड किया था बेल्ट पे उसने लिख लिया था ठीक है इसको देख देखते ही एक जो बहुत भयानक जाइंट है मतलब मतलब दानव एक प्रकार से कह सकते हैं एक दानव उसके सामने आया और उसने कहा क्या कहा उसने सो यू थिंक यू आर सो माइटी तो उसने क्या कहा तो so, तुम्हें क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो माइटी मतलब पावरफुल ठीक शक्तिशाली एंड ही पिक्ड अप स्टोन पिकड अपट इट पाउडर्ड ठीक और उसके बाद उसने क्या किया जैंड ने ये कह, कहने के बाद एक पत्थर को उठाया और उसको इतनी जोर से दबाया पत्थर को इतनी जोर से दबाया कि उसका पूरा पूरा वो जैसे आटा होता है ना उस प्रकार से वो प, पत्थर पूरा महीन उसने पत्थर को पीस दिया अपनी ताकत लगा के ट्राई एंड डू इट इफ यू आर डेट स्ट्रॉन्ग क्राइट और उसके बाद जैंड ने कहा चलो अब ये करके दिखाओ यदि तुम इतने सच में इतने स्ट्रांग हो कि तुम एक बार में तीस को धराशाई कर सकते हो तो इसको उठाओ और प्रूफ करो कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जैंट ने उससे कहा कंट्रोलिंग हिज परप्लेक्सिटी द लिटिल ट्रेलर टुक आउट द चीज फ्रॉम हिज स्ट्रेचल सेटचल एंड स्क्वीज्ड एंड वे ड्रॉप फ्रॉम इट ठीक उसके बाद जो ट्रेलर था उसने अपनी जो उसकी अब जैंट आ गया अचानक सामने तो अपने डर को अपने झूठ को छुपाते हुए उसने क्या किया ट्रेलर ने क्या किया अपने जो इसका जो थैली थी सेटचल मतलब जो थैली थी उससे उसने क्या निकाला चीज निकाला जो घर से लेकर आया था मक्खन और उसके बाद उसको स्क्वीज कर दिया मतलब उसको दबा दिया मसल दिया स्क्वीज मतलब मसलना स्क्वीज इस, मसल दिया तो बिल्कुल वो वो भी बिल्कुल मसल गई जैसे वो पत्थर मसल जाता है तो उस प्रकार से वो वो तो चीज थी चीज बहुत सॉफ्ट होती है तो उसने उसको मसल दिया एंड ही टेम्पलरी सेड एंड वॉट डू यू थिंक ऑफ दैट वॉज माई स्क्वीज बेटर देन योर और उसके बाद उसने बड़े ही गर्व से कहा बड़े ही आ, उत, मतलब जीत के साथ जैसे जीत वाली भावना के साथ कहा जैसे वो जीत गया हो उसने कहा तब तुम्हें तो क्या लगता है कि क्या जो मैंने जो स्क्वीज किया किसी चीज को दबाया मसला तो क्या वो मेरे तो, मेरा जो स्क्वीज था वो तुमसे कहीं ज्यादा बेटर था कि नहीं था तो तो इसके बाद अब देखते हैं क्या होता है हमारी स्टोरी में ओके okay? सो so, नेक्स्ट वेल डन क्राइट इन टाइनी वेरियर उसके बाद जैन ने कहा सा अच्छा किया आश्चर्यचकित होकर अब उसने जब देखा कि वास्तव में उसने अब जैन को थोड़ी पता था कि वो चीज लिए था तो उसको काफी आश्चर्य हुआ और उसने अपनी ऐसी वॉइस में कहा काफी अच्छा किया तुमने और उसके बाद उसने दूसरा पत्थर उठाया और उसको पूरी ताकत लगा के फेंक दिया बहुत दूर तक फेंक दिया और फिर उससे टेलर से कहा कि अब इसको हरा मुझे इसमें हरा कर दिखाओ मतलब कोई पत्थर लो और इतना दूर जाकर के फेंक करके दिखाओ तो अब देखते हैं टेलर क्या करता है नो डाउट इट वॉज अ गेट थ्रो बट यू लुक अप आई विल थ्रो द स्टोन विच वेवरलैंड और उसके बाद कहा अच्छी बात है ये काफी अच्छा थ्रो था मतलब तुमने काफी दूर फेंका बहुत अच्छा थ्रो किया लेकिन अब ऊपर देखो मैं एक इस पत्थर फेंकूंगा और वो ऐसे फेंकूंगा कि वो कभी नीचे आएगा ही नहीं इतनी दूर जाएगा वो सेट द लिटिल आजाद कर दिया मतलब पिंजरा खोल दिया. और उसके बाद जब पक्षी ने महसूस किया उस चिड़िया ने महसूस किया कि वो आजाद हो गई है तो वो जल्दी से उड़ गई और इतनी दूर उड़ गई कि फिर अदृश्य हो गई वो नेवर टू बी सीन अगेन और दोबारा कभी फिर वो दिखी नहीं ठीक तो कहने का मतलब चिड़िया पक्षी थी पक्षी थोड़ी लैंड होगा अब जैंड होता तो पत्थर है उसको इस बात का भी आश्चर्य हुआ वेल ओ लिटिल वेरियर सेट द पजल डेंट एट इज डिफीट उसके बाद उसने कहा चलो अच्छा है अब जैंट बहुत कन्फ्यूज था पजल मतलब कन्फ्यूज ठीक अब अपनी जो शक्ति थी उसकी जो उसकी अपनी हार पे वो काफी ज्यादा कन्फ्यूज था योर स्टेचर डिफाइस योर माइट एंड यू हैव अर्ंड माई इन्विटेशन और उसके बाद कहा जो तुम्हारा ये बल है ये तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है जो तुमने आज प्रदर्शन किया ये दर्शाता है कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो और इस, इसलिए तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो इसलिए तुमने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया कि मतलब मैं तुम्हें अपने यहाँ निमंत्रित करता हूँ कम टू माई केव एंड आई विल ट्रीट यू लाइक माई ऑनर मेरे गुफा में आओ और मैं तुम्हें एक सम्मानित गेस्ट की तरह सम्मानित अतिथि की तरह तुमसे व्यवहार करूंगा तुम्हें ट्रीट करूंगा ठीक तो अब उसने जैंट को तो हरा दिया अब और जैंट को हराने के कारण वो उसके साथ इनविटेशन के लिए भी उसको जैंट ने अपने केब में बुलाने का इनविटेशन भी दिया अब आगे एट द जैंट्स केप दे हैड अ नाइस डिनर एंड द लिटिल टेलर गॉट अ फाइन बेड टू स्लीप ऑन और उसके बाद जब जैंट के केब पे दोनों पहुंचे तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया डिनर किया ठीक है और उसके बाद लिटिल टेलर जो था बेचारा टेलर था वो खाए सोने के लिए चला गया अच्छे बिस्तर में बट ही वॉज इलेट लेकिन वह वहाँ पे कंफर्ट नहीं नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा पा रहा रहा था, था, शांत मतलब उसको पूरी तरह से sure आराम वहां पे कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि वह इस बात से कन्विंस नहीं था इस बात को वो नहीं मानता था उसको क्योंकि पता नहीं थे कि जॉइंट की इंटेंशंस क्या है उसकी ए, मनसा क्या है उसकी क्या उसको मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं वो कहीं उसके साथ कुछ बोराना कर दे दानों, दानों को क्या भरोसा इसलिए वो आराम से वहाँ पे सो सो नहीं पा रहा था ही so तो इसलिए उसने क्या किया तो जो जॉन्ट ने उसको बेड सोने के लिए दिया था तो वहाँ पे उसने बॉलस्टर रख दिया मतलब तकिए वगैरह या कुछ पत्थर वत्थर वगैरह रख दिए और उसको ऐसे उड़ा उड़ा दिया तो मतलब ऐसा लगने लगा कि कोई तो वहां पे सो रहा है और अपने आप को उसने बेड के नीचे कर लिया मतलब वो खुद बेड के नीचे जाके सो गया आराम से ठीक द लिटिल टेलर वॉज राइट एट डेड ऑफ नाइट द जैंट केम इन टू द रूम एंड हिट द बेड हार्ड विथ थिक आयरन रॉड और उसके बाद जो ट्रेलर का अंदेशा था जो उसने उसको भय था वही हुआ रात को जब आधी रात हो गई रात अपने चरम पे थी तो क्या हुआ जो जायंट था वो दानो था वो कमरे के अंदर आया और उसने एक आ, आ, मोटी आयरन रॉड से बेड में बहुत जोर से मारा ठीक ठीकर थी को मारने के लिए क्यों क्योंकि वो अपनी हार से बहुत ज्यादा गुस्सा था तो उसका बदला लेना चाह रहा था सो यू आर फाइनली ऑफ टू रेस्ट यू लिटिल क्रिएचर और उसने कहा चलो कम से कम तुम हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट हो गए मतलब रेस्ट इन पीस हो गए मर गए ठीक और वो ये समझ करके वहां से चला गया है जाइंट द टेलर न्यू द बेस्ट कोर्स फॉर हिम वाश टू फ्ली उसके बाद जब अब टेलर तो नीचे सो रहा था तो टेलर को तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं तो जब उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि अब वो जो जायंट है उसके मार से बच गया है तो उसने क्या किया अब उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो यहाँ से भाग ले जितनी जल्दी हो सके यदि वो जान बचाना चाहता है सो so ही sneaked out of the cave and ran and ran at night until he arrived to the at the king's palace in the town और उसके बाद वहां से वो इतना जोर से भागा और तब तक भागते रहा जब तक कि वह एक राजा के पैलेस मतलब राजमहल के आसपास नहीं आ गया ठीक जो नगर में राजा का जो राजमहल था उसके पास में जब तक नहीं आ गया तब तक वो भागते रहा जान बचाने के प्रयास में द डॉन हैड ऑलरेडी ब्रोकन डॉन मतलब सुबह ठीक भोर जिसको बोलते हैं डॉन तो जो भोर ऑलरेडी हो चुकी थी ठीक है और वह भागते भागते इतना ज्यादा थक चुका था एंड सींग द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास इन द गार्डन फेल ए स्लीपिंग स्नोरिंग लॉन्ली और जब उसने देखा इतना ज्यादा थका होने के बाद उसने देखा कि गार्डन में बहुत अच्छी घास लगी है तो वो क्या हुआ वहीं पे लेट गया और घुरक के मार करके सोने लगा तेज आवाज के साथ वहीं पे सो गया ठीक अब थका था जाहिर सी बात है नींद तो उसको आएगी ही आराम से वो गहरी नींद में सो गया राइट होप आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लग रही होगी नेक्स्ट तभी वो उठा और सैनिकों ने क्यों जगाया क्योंकि जो उसने इंस्क्रिप्शन लिख रखा था जो उसने निर्देश लिख रखा था नोटिस लिख रखा था अपने बेल्ट में क्या लिख रखा था नॉक थर्टीन वन ब्लो की एक बार में तीस को धराशाई किया इस उसको पढ़ करके ठीक उसके राजा के सैनिकों ने उसको जगाया एंड वो हिम अप एंड लेड हिम टू द किंग ठीक है और उसको राजा के पास ले गए द किंग वॉज मच इम्प्रेस बाई द इंस्क्रिप्शन ही हैड ऑन हिज बेल्ट और उसके बाद जो राजा के ए, बेल्ट राजा ने जब उसके बेल्ट पे जो लिखा हुआ था वो उसको जब देखा तो वो काफी उससे इम्प्रेस हुआ प्रभावित हुआ और कहा इफ यू आर ब्रेव इनअप यदि तुम वास्तव में इतने ए, प्रतिभाशाली हो ब्रेव हो ठीक है इतने इतना तुम में बल है तो गो टू द फॉरेस्ट एंड किल द टू जायंट्स देयर ठीक है तुम जाओ जंगल में जाओ और वहां पे जो दो राक्षस हैं दो दानव हैं उनको मार दो देखिए टेरीफाइंग माय सब्जेक्ट्स एंड स्टील अवे द पैथ क्यों क्योंकि वो जो है वो दोनों मेरे जो जितने भी मेरी प्रजा को क्या करते हैं डराते रहते हैं टेरीफाई मतलब डराना ठीक एंड द पेट्स और मेरे जो पालतू जानवर हैं हैं। उनको चुरा ले जाते यू तो राजा, तो राजा अगर वहां बोलता तो राजा मार डालता उसने कहा ठीक है और चल दिया वहां से एंड इफ यू डू यू कैन किंगडम एंड माई डॉटर इन मैरिज द किंग प्रोक्लेम और उसके बाद उसने कहा राजा ने क्या कहा कि यदि तुम वास्तव में उन दानवों को मार देते हो तो तुम मेरी आधी मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी बेटी से तुम्हारी शादी भी कर दूंगा ठीक किसने कहा कहा राजा ने कहा. इनाम के रूप में उसको मतलब यदि तुम सच में दो जो वो दो जो वो राक्षस हैं उनको क्या करते हो मार देते हो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा आजादी मतलब अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह कर दूंगा ठीक द लिटिल टेलर बोर्ड नी डीप लिटिल कंसीडरिंग हाउ ही कुड डील विद द जायंट्स एंड वंडरिंग इफ ही वुड एवर बी एबल टू अकमप्लिश इट अब उसने क्या कहा द लिटिल जो जो बेचारा गरीब दर्जी था उसने क्या किया राजा के सामने अपने घुटने टेके मतलब उसको सलाम किया और उसके बाद ये सोचते हुए कि जो उसको काम मिला है क्या वो उसको कर पाएगा यही सी सोच के साथ को चल मतलब जंगल की ओर चल दिया इन द फॉरेस्ट ही स्पॉटेड टू एनॉर्मस और जैसे जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि जो दो उसने भयानक बड़े दानवों को देखा ठीक मतलब है।, है, है कि वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं गहरी नींद में हाउ टू किल दम अब वो सोच रहा है कैसे उनको मारे द क्वेश्चन लर्क अब ये सामने उसके सामने ये प्रश्न था ठीक है अब वो उनको कैसे मारे सलाई थ्रो स्टोन सेट दे क्या कहा लेकिन अगर मैं एक पत्थर फेंकता हूँ जितना बड़ा मैं उठा पाऊंगा और उतना पत्थर फेंकता हूँ क्या होगा ब मुश्किल से उनको को कोई हानि पहुंचती क्योंकि वो इतने बड़े हैं और यदि वो जग गए तो क्या बनाएंगे मेरे मेरी चटनी बना देंगे टू मेक मिन्स मीट एक वर्ब है है जिसका मतलब होता चटनी बना देना जैसे कहते हैं ना हम लोग हिंदी में चटनी बना देना चटनी बना देना मतलब बिल्कुल से पराजित कर देना धराधाई कर देना ठीक है तो वही है थॉट ही उसने सोचा एन ए, 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 एन एन आइडिया और इसके सोचने के बाद उसने वो वाला प्लान ड्रॉप आउट कर दिया उसके बाद कोई दूसरा आइडिया उसके दिमाग में आया उन जेंट्स को मारने का वो दूसरा आइडिया क्या था द लिटिल टेलर केम बिहाइंड ट्री एंड जस्ट इफ ही था वो एक पेड़ के पीछे आया और उसके बाद उसने उस जगह का मुआयना किया कि अब से वो क्या कर सकता है? सकता है, है। कैसे उन को मार ट्री और उसके बाद उसने क्या किया पेड़ के पीछे से उसने छुपते हुए बाहर आया और एक ए, दानों के चेहरे पे उसने क्या किया जोरदार एक तमाचा रगड़ दिया मतलब स्लैप कर दिया उसको एक स्लैप लगाया और उसके बाद फिर दोबारा पेड़ के पीछे जा करके छुप गया ठीक द जाइंट वोक अ वोक अप एंड लुकड फर्स्ट एट द अदर जाइंट एंड फाइंडिंग हिम फास्ट स्लीप वनरिंग इन स्नोर्स ही लुकड अराउंड एंड फाइंडिंग नो वन अराउंड वंस अगेन ले डाउन टू स्लीप और उसके बाद जो वो जाइंट था जब उसको एक कंटाप लगा तो क्या हुआ उठा उसने आसपास अपने देखा और देखा कि जो जो उसका जो दूसरा दाना हो वो वो तो गहरी नींद में सो रहा है और आसपास उसने देखा तो वहां भी उसको कोई नहीं देखा तो फिर वो दोबारा सो गया ठीक तो अब वो आगे क्या करता है देखते हैं सोटिल टेलर अगेन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री एंड स्लैप्ड हार्ड द अदर जॉयट और उसके बाद जो वही जो बेचारा जब गरीब जो टेलर था वो जब उसने देखा कि जो जायंट है वो दोबारा सो गया है तो वो पेड़ के पीछे से फिर वापस आया और जो दूसरा था उसके एक स्लैप कर दिया उसने और फिर जाके छुप गया ना ही वो कब वो दूसरा जो जायंट था वो उठा फाइंडिंग द फर्स्ट जायट और उसने जब देखा कि जो पहला दानो था वो सो रहा है और फिर वो भी दोबारा सो गया जब उसने भी वही सेम पहले की जैसे किया आसपास देखा कोई नहीं मिला तो वो सो गया ठीक नाउ द टेलर हिट द फर्स्ट जैंट अगेन और उसके बाद फिर क्या किया ट्रेलर ने फिर आया बाहर निकल के और जब जो पहले वाले जैन को जो मारा था उसने फिर उसको एक तमाचा रख दिया ही हैड हार्डली स्लेप्ड बाई जो कि अभी मुश्क, मुश्किल से सो पाया था अभी इतनी जल्दी तो कोई सो नहीं जाता ही लुक डेट द अदर जैंट तो उसने क्या किया दूसरे जैन की तरफ देखा नॉट फाइंडिंग हिम एस्लीप ही अर्लियर और उसके बाद जब उसने देखा

जो उसका जो कंपेनियन जायंट है वो क्या कर रहा है उस पर गुस्सा हो रहा है और मार रहा है तो उसको भी लगा कि यही मुझे जब से मार रहा है ठीक तो उसने कहा कि अच्छा तो तुम तो तो हो जो मुझे मार रहे हो ठीक डोंट डॉन टी रोड पहले वाले ने कहा झूठ मत बोलो तो उसने गुर्राया चिल्लाया द टू जायंट्स आर्ग्यूड एंड क्वारल्ड हिट ईच अदर विद पंचेस एंड 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 थ्रू रॉक्स एट लास्ट बोथ ऑफ देम फेल देट उसके बाद दोनों जायंट क्या हुआ दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे एक आपस में झगड़ने लगे ठीक है एक दूसरे को मारने लगे कभी हम किसी को पंच मारते ठीक कभी स्लैप्स मारते ठीक है और एक दूसरे पे पेड़ पत्थर जो मिला फेंकने लगे और अंत लड़ते लड़ते दोनों क्या हो गए मर गए ठीक तो इस तरह से उसने अपनी सूझबूझता के साथ क्या किया दोनों दोनों जो दानो थे उनको मार गिराया किसने टेलर ने ठीक नाउ द लिटिल टेलर वेक्ड इन टू द

पेड़ बरसाए लेकिन मैंने बदले में उन पर चट्टाने बरसाई और अंततः मेरे वो जो मेरे घातक प्रहारों फायर्स मतलब घातक मेरे फायर्स मेरे घातक प्रहारों को वो झेल नहीं पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए हैविंग टोल्ड द अप स्टोरी द टेलर बोर्ड इज हेड एंटीसिपेटिंग फॉर द रिवार्ड द किंग हेड अनाउंस और उसके बाद जो उसने पकी पकाई जो कहानी थी उसने मतलब तो बनी अपनी जो कहानी उसने बनाई थी उसने किया तो ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अपनी तारीफ करने के लिए उसने जो बनी बनाई कहानी राजा को सुना दी पकी पकाई स्टोरी और उसके बाद अपना सिर बढ़िया ऊपर उठाया इस बात की आशा के साथ कि जो राजा ने जो इनाम अनाउंस किया था वो राजा वो इनाम उसको देगा ठीक बट द किंग हैड नेवर रियली थॉट टू गिव हाफ हिज किंगडम एंड हिज डॉटर टू द फनी लुकिंग मैन लेकिन वास्तव में क्या था कि जो राजा ने कभी ये नहीं सोचा था उसने तो ऐसी मजाक में कह दिया था उसको लग रहा था कि ये शायद नहीं हरा पाएगा और मारा जाएगा इसलिए उसने कह दिया था इसलिए उसने अब ये कभी मन नहीं बनाया था कि वो उसको अपनी आधा राज्य दे देगा और एक ऐसे व्यक्ति से अपनी पुत्री की शादी कर देगा जो इतना गुड लुकिंग नहीं है फनी लुकिंग है मतलब बिल्कुल मजाकिया टाइप में पागल सा लगता है सो ही सेड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब इन डीट तो उसका हालांकि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है बट टू अंड योर रिवार्ड यू नेट टू गेट किंगडम तो उसने कहा लेकिन तुम्हें अपना जो तुम्हारा रिवार्ड है अपना प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो हमारे किंगडम में एक यूनिकॉर्न है यूनिकॉर्न है? क्या होता है एक ऐसे घोड़े की तरह दिखने वाला जीव होता है जिसकी एक सिंग होती है और वो सिंग यहाँ उसके सामने होती है ठीक है वो होता है यूनिकॉर्न ठीक है तो उसने कहा जिस जो यूनिकॉर्न के आतंक से तुम तो मेरे राज्य को जब उससे छुटकारा दिलवा दोगे तो तुम अपना रिवार्ड पा जाओगे क्योंकि राजा सोच रहा था किसी तरह से छुटकारा छोड़े तो उसको एक में एक काम देते जाता नाउ अब देखते हैं आगे क्या होता है हमारी स्टोरी में वंस अगेन द लिटिल लिटिल सेट ऑफ द फॉरेस्ट अब क्या-क्या बेचारा जो गरीब वो दर्जी था टेलर था वो दोबारा जंगल की तरफ निकल पड़ा द यूनिकॉर्न वाज अ हॉर्स लाइक फायरस एनिमल विद अ स्ट्रांग हॉर्न ऑन इट्स फोरर अभी मैंने बताया यू, 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 यूनिकॉर्न क्या है एक घोड़े की तरह तेज जानवर होता है ठीक है जिसके आ, सामने एक बहुत ही स्ट्रांग सींग लगा होता है ठीक है उसके सिर पे एज सून एट्स सो हिम और जैसे ही उसने उस यूनिकॉर्न ने उसको देखा ठीक है किसको टेलर को इट बिगेन चेजिंग हिम तो उसने क्या शुरू कर दिया उसको चेस करना शुरू कर दिया उसके पीछे भागना शुरू कर दिया मेकिंग हिम टू रन फॉर हिज लाइफ और इसके किस लिए भागना शुरू कर दिया उस ताकि उसको वो मार दे और जो टेलर था वो उसने भी भागना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए लिटिल डेड ही नो हाउ ही वाज टू टेक ऑन द एनिमल और उसको जो टेलर था वो भागे जा रहा था लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि वो कैसे इस भयानक जानवर से अपनी जान बचाएगा ठीक है सो ही रैन हेल्टर स्केल्टर इन वोट उसके बाद वो अफरा तफरी जैसे जितनी तेज भाग सकता था तो उतनी तेज भागते रहा वेन ही ये पाया कि जो यूनिकॉर्न है उसने वो लगभग उसके नजदीक पहुंच ही गया है और जस्ट उसके पीछे ही है मतलब अब वो थोड़ी देर में उसको मार ही देगा ठीक है द यूनिकॉर्न कुड नाइटर स्टॉप नॉट डाइवर्ट एंड थ्रस्ट तो उसने क्या किया जब देखा कि जस्ट उसके जो पीछे पहुंच गया है तो क्या किया वो एक बड़े से पेड़ के पीछे चिटक गया कौन ट्रेलर दौड़ते दौड़ते एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर के छिप गया इन इट्स फ्लो ऑफ ग्रेट स्पीड स्पीड और जो जो यूनिकॉर्न अपनी जो इतनी तेज से उसको चेस करने के लिए भाग रहा था द यूनिकॉर्न को नाइडर स्टॉप नॉट डाइवर्ट एंड थ्रस्ट हार्ड इट्स हॉर्न इन टू ट्रंक ऑफ द ट्री तो अपनी स्पीड के कारण जो यूनिकॉर्न था वो ना ही रोक पाया खुद को रोक पाया ना ही खुद को डाइवर्ट कर पाया मतलब ना ही अपना रास्ता बदल पाया और

ट्रेलर के लिए जो काम बचा था वो केवल यही था कि उसने अपनी जो तलवार निकाली और उसका सिर जो था धड़ से अलग कर दिया मतलब उसका गला काट दिया मतलब यूनिकॉर्न को भी मार दिया उसने ये टास्क भी अपनी सूझबूझ से अपनी अकलमंदी से इसको भी कंप्लीट कर लिया ठीक नाउ अब देखते हैं क्या होता है द लिटिल ट्रेलर हैविंग अकमप्लिश द जॉब टू

एट द थॉट ऑफ लूजिंग हाफ ऑफ हिज लैंड एंड डॉटर इन मैरिज और उसके बाद हालांकि जब राजा ने ये सब सुना तो वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ ज्यादा खुश नहीं हुआ क्योंकि उसको इस बात का डर हो रहा था इस बात पर टर्ट मतलब डरना ठीक है भय होना तो इस बात का डर भय था ये सोच सोच के वो भयभीत हो रहा था कि वो अपना आधा खो देगा और इस ए, इस आदमी के साथ उसको अपनी बेटी की शादी भी करनी पड़ेगी सो ही थॉट आउट वे तो इसलिए इस डर के कारण उसने एक दूसरा रास्ता खोजा कि किसी तरह इस आदमी से छुटकारा पाया जाए द प्रिंसेस दैट यू मस्ट स्पेंड अ नाइट विद द विदर इन द पैलेस सेलर और उसके बाद उसने अपनी बेटी को सिखाया और बेटी ने शर्त रखी यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें जो राज्य में एक भालू है उसे तुम्हें उसके साथ तुम्हें एक रात गुजारनी पड़ेगी राजमहल के जेल में सेलर मतलब जेल होती है जो कैद खाना वहां पे तुम्हें एक रात उस भयानक भालू के साथ गुजारनी पड़ेगी तब तुम मुझसे शादी कर सकते हो एंड एफ यू यू कैन डू दैट यूप एट वंस और उसने कहा यदि तुम ऐसा कर पाए तो जो तुम्हारा पुरस्कार है तुम एक बार में प्राप्त कर लोगे द किंग थॉट दैट ही हैड गेट रेट ऑफ द ट्रेलर इन दिस वे और राजा ने सोचा कि चलो कम से कम इस बार तो वो ट्रेलर जो है नहीं बच पाएगा मर जाएगा और ट्रेलर से छुटकारा मिल जाएगा फॉर द बिहर वॉज वेरी फ्राइटनिंग क्यों छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि जो बियर था वो बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग था और उस, आज तक उसके जो class, class मतलब जो पंजे होते हैं ठीक उसको बोलते हैं क्लॉस उसके जो पंजे थे उसके जो नुकीले पंजे थे उनसे आज तक कोई नहीं बच पाया था तो इसलिए राजा ने सोचा की ये जो टेलर है ये भी नहीं बच पाएगा और इसलिए उसने ये प्लान सोचा ठीक अब लेकिन देखते हैं आगे हमारी स्टोरी में क्या होता है टेलर बसता है कि नहीं बसता है दैट्स नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम सेड द टेलर टेलर ने क्या कहा चलो ठीक है ये काम भी कर लेता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ ठीक राइट नाउ इन द इवनिंग द टेलर वाज लेफ्ट इन द सेलर एंड लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड और उसके बाद जैसे ही शाम हुई तो जो दर्जी था उसको जेल में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला बंद कर दिया गया As the got ready to make of him. और उसके बाद जैसे ही बियर जो था वो उसका उसको मसलने के लिए तैयार हुआ उसको मतलब मारने के लिए मात देने के लिए तैयार हुआ द लिटिल टेलर टुक आउट सम वॉलट्स फ्राम सेट चल तो उसने क्या किया जो बेचारा टेलर था उसने क्या किया कुछ वॉलट्स निकाले कुछ नट्स निकाले खाने के लिए दाने कुछ निकाले अपने थैली से open one and ate the inside. और उसके बाद उसको क्रैक किया और उसके बाद जो अंदर निकलता है जैसे मूंगफली होती उसके हम कुछ को करते हैं तो अंदर जो दाने थे उसको खा लिया टू ईट like so और उसके बाद उसने भालू से पूछा क्या तुम तो इनको खाना पसंद करोगे बहुत ये बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, ठीक द बार द बीयर नोडेड द लिटिल टेलर गेव हिम मैं वॉलट तो बियर ने सहमति में सिर हिलाया कि हाँ मैं इसको खाना पसंद करूंगा और टेलर ने क्या किया उसको एक वॉल दे दिया मूंगफली दे दी द बियर क्रैक ओपन विद टू ट्रीट और उसके बाद जो भालू था उसने अपने दांतों से उस वॉलट को क्या किया क्रैक किया और उसके बाद उसको खा लिया और उसको जब उसने खाया तो काफी टेस्टी लगे यस इट्स रियली गुड सेट द बियर गिव मी सम मोर उसने बियर ने क्या कहा हाँ ये तो वास्तव में काफी टेस्टी है मुझे कुछ और दो मुझे मतलब और खाने हैं तो कुछ और वॉलट दो मैं इनको खाना चाहता हूँ तो बियर ने भी खाने की और इच्छा जताई द लिटिल टेलर टेलर दिस टाइम हिम स्मॉल ब्राउन पेबल्स तो अब क्या किया जो था बुद्धिमानी से उसने क्या किया इस बार उसने वालनट के बहाने क्या दिया उसको छोटे छोटे उसी कलर के भूरे भूरे पत्थर दे दिए ठीक है द बियर वॉन्टिंग टू टेस्ट दी इन साइड तो बियर तो अब उसके मन में तीव्र इच्छा थी कि जो इनके अंदर जो भी निकलता है उसको खाना चाहता था वो ठीक है ट्राइड इट बेस्ट टू क्रैक ओपन दैम और उसने पूरी जोर ताकत अपनी लगा दी दांतों की ताकि वो क्रैक हो सके और उनको खोल करके वो खा सके बट लिटिल नोइंग दैट ही ट्राइंग ऑन लेकिन उसको ये तो पता ही नहीं था उसको इस बात का बिल्कुल भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो क्या है पत्थर है वास्तव तो में वेलेट नहीं है ब्रोक ऑल हिस और इसी प्रयास में उसने क्या किया पत्थरों को तोड़ने के प्रयास में उसने सारे अपने जितने भी उसके नुकीले दांत थे वो सबके सब तोड़ लिए टूट तोड़ते तोड़ते, क्यों? गए थे और उस दांत कारण उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और इस कारण वो सो भी नहीं पा रहा था द लिटिल टेलर न्यू दिस सो ही ब्रॉट आउट दुडन फ्लू और अब टेलर तो एक हालांकि जानता था कि उसके सारे दाँत टूट गए हैं वो दर्द में है तो उसने क्या किया एक फ्लूट निकाली फ्लूट मतलब बांसुरी निकाली और उसको बजाने लगा द बियर लाइक द म्यूजिक एंड सेड कैन यू टीच मी हाउ टू प्ले द फ्लूट तो बियर ने कहा बियर को वो जो जब बांसुरी उसने बजाई तो वो म्यूजिक बहुत पसंद आया और उसने कहा क्या तुम तो मुझे ये सिखा सकते हो कि ये फ्लूट कैसे बजाते हैं क्या तुम तो मुझे अगर फ्लूट बजाना सिखा सकते हो ऑफ आई कैन बट योर शार्प लॉन्ग नेल्स विल कम इन द वे तो उसने क्या कहा टेलर ने क्या कहा कि हाँ, मैं जरूर तुम्हें सिखा सकता हूँ लेकिन जो ये तुम्हारे नुकीले जो पंजे हैं ये रास्ते में बनेंगे तुम इनको मतलब रास्ते में बाधा बनेंगे तुम इनके कारण बजाना सीख नहीं पाओगे कहा यदि तुम वास्तव में ये सब सीखना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा और दर्द सहना पड़ेगा मतलब अपने नाखूनों को काटना पड़ेगा ठीक ई कैन फॉर आई वॉन्ट टू लर्न इट तो बियर ने क्या कहा कि ये तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ मेरी सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा है इसलिए मैं इतना और भी दर्द सहने के लिए तैयार हूँ कम से कम इतना होगा आज दर्द सहलूंगा और यदि मैं फ्लूट बजाना सीख जाऊंगा तो कभी फ्यूचर में जब भी मुझे अपने मनोरंजन की जरूरत पड़ेगी मनोरंजन करने की तो मैं फ्लूट बजा के अपना मनोरंजन कर लिया करूंगा बियर ने ये जवाब दिया

ना किया कहा? जरूर. मतलब agree हो गया अपने नाखून सिलवाने के लिए द टेलर स्पीड डाउन द नेल्स ऑफ द बियर एंड सेट सी आई एम क्वाइट टायर्ड नाउ आई विल टीच यू हाउ टू प्ले ऑन द मॉरो और उसके बाद उसने क्या कहा टेलर ने क्या किया उसके नाखूनों को सिल दिया ठीक और फिर कहा देखो अब मैं काफी थक चुका हूँ इसलिए मैं तुम्हें बांसुरी बजाना जब कल दूसरा दिन आएगा सुबह होगी मैं कल तुम्हें सिखाऊंगा एंड ही ले डाउन ऑन लेन दियर सॉफ्ट स्ट्रॉ पड़ा था घास फूस पड़ी थी भालू के बैठने लेटने के लिए उसी स्ट्रॉ पे वो आराम से लेट करके सो गया स्नोरिंग एंड मटरिंग इन स्लीप एस ही टू और उसके बाद मतलब काफी आवाज के साथ और बड़बड़ाते हुए वो जैसे उसको आदत थी बड़बड़ाने की तेज आवाज घुरख के लगाने की वो उस तरह से वो सो गया आराम से वहीं पे द बियर वांटेड टू लर्न म्यूजिक राइट डेन अब बियर को जो था उसको तो म्यूजिक तभी अभी सीखना था बट ही वॉज अनएबल टू डू नथिंग एबल टू डू नथिंग विदाउट हिज क्लॉस एंड टीथ लेकिन वो इस योग्य नहीं था वो है कुछ भी करने के योग्य नहीं था क्योंकि अपने पंजे और दांत के ना होने के कारण वो कुछ भी करने के योग्य नहीं बचा क्योंकि अब ना दांत थे तो ना वो काट सकता था ना उसके जो नाखून थे पंजे थे वो सिल गए थे तो उनसे भी उनका भी यूज वो नहीं कर सकता था एंड ग्रोइंग हेल्पलेसली टू डाउन और उसके बाद जब उसने अपने आप को असहाय पाया हेल्पलेस पाया तो वो भी बेचारा सो गया ठीक इन द मॉर्निंग द किंग हैड नो मोर आइडियाज टू गेट रिड ऑफ द लिटिल टेलर एंड ही मैरिडर थे उसके बाद जब अब सुबह हुई, के पास अब कोई नहीं नहीं बचे, बचे, कोई भी वैसे विचार जिससे वो दर्जी से छुटकारा पा सके तो उसने क्या किया अपनी बेटी की शादी उससे कर दी. जो जो ट्रेलर टेल, था वो अब आधे राज्य का राजा था बिगेन टू लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ अपना जीवन आराम से क्या करने लगा बिताने लगा वन नाइट एस वॉज हिज सी क्स्ट वीक और उसके बाद एक रात जैसी कि उसकी आदत थी बड़बड़ाने की तो उसने क्या कहा रात में बड़बड़ाने लगा क्या बड़बड़ाने लगा कि मैं तुम्हारी शर्ट अगले हफ्ते सिल दूंगा अब अपने प्रोफेशन में था तो अपने प्रोफेशन के बारे में ही वो वहां पर बड़बड़ाने लगा कि मैं तुम्हारी शर्ट को है अगले हफ्ते अगले हफ्ते सिल दूंगा लिसनिंग टू डीज बर्ट हिज वाइफ फेल्ट स्टेंड एंड टू हर फादर एंड रिपीटेड और उसके बाद जब उसकी जो वाइफ थी उसके बगल में लेटी थी उसने उसके शब्दों को सुना तो उसको काफी अजीब लगा स्ट्रेंज लगा और उसके बाद अपने वो अपने पिता के पास गई मतलब राजा के पास गई और उसने जो ट्रेलर के मुंह से जो वर्ड सुने थे अपने पापा को बताए वही वर्ड रिपीट किए द किंग नाउ न्यू द रियलिटी एंड सेड अब उसके बाद जब राजा ने वो शब्द सुने तो राजा को पूरी सच्चाई पता चल गई कि वास्तव में सच्चाई क्या है और उसने राजा को कहा योर हस्बैंड इज नथिंग बट अ पुअर टेलर तो उसने क्या कहा राजा से कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कुछ नहीं है बल्कि एक गरीब दर्जी ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है केवल द प्रिंसेस टू टू नो मोर लिव हर हस्बैंड और जो राजकुमारी थी अब वो भी नहीं चाहती थी कि अब वो आगे अपने हस्बैंड के साथ रहे सो द किंग इसलिए राजा ने क्या टू नाइट आई विल सेंड सम टू डील हिम तो इसलिए राजा और जो राजकुमारी थी दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया तो राजा ने कहा कि आज मैं अपने कुछ आदमियों को मतलब सैनिकों को उससे निपटने के लिए भेजूंगा ऑल डेट यू हैव टू डू इज टू कीप द विंडो ऑफ द बेडरूम ओपन और जो तुम्हें करना है वो केवल यही करना है कि तुम जो अपने खिड़की की जो विंडो है जो अपने रूम की बेडरूम की जो खिड़की है उसको खुला रखना अपने रूम की खिड़की को खुला रखना और मेरे रात को आदमी आएंगे और उसको मार देंगे ठीक तो उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें भी उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा और मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा मुझे मेरा राज वापस मिल जाएगा तो इन दोनों ने राजा और राजकुमारी ने मिल करके प्लान बनाया एज द लिटिल टेरल ले डाउन ऑन हिस्स बेड ही हैड सम हर्टिस फ्रॉम द विंडो ब्लिंकिंग ही लुक्ड इन दायरेक्शन तो उसके बाद जैसे ही जो जो बेचारा टेलर था वो अपने बेड पे लेटा तो उसने कुछ सरसराहट की आवाज सुनी ठीक है खिड़की से आसपास से मतलब अब सोल्जर्स आ रहे थे तो उनकी चलने की सरसराहट की आवाज सुनी ब्लिंकिंग ही लोग इन दैट डायरेक्शन और उसके बाद झपक झपकते ही उसने उस डायरेक्शन की ओर देखा जहाँ से आवाज आ रही थी सो समर्सली स्निकिंग इन टू द रूम तो उसने क्या देखा उसने कुछ सैनिकों को चुप चुपके से उसके रूम पे आते हुए देखा ठीक है he knew that he could not fight them. उसको तो पता ही था कि वो उनसे नहीं लड़ सकता है so, pretending fast asleep, he murmured. और उसके बाद उसने ऐसा किया मतलब ऐसा खुद को दिखाया ठीक है कि जैसे वो सो रहा हो और वो उसने बड़बड़ाना शुरू किया सो so, this दिस टाइम लाउड इनफ टू बी हर्ड बाई दोल्जर्स और इतनी तेज उसने बड़बड़ाना स्टार्ट किया क्योंकि वो तो जग रहा था और इतनी तेज बड़बड़ाना शुरू किया ताकि वो जो बड़बड़ा रहा है जो कह रहा है वो आवाज सैनिकों तक पहुंच जाए आई नॉक थर्टी ऑफ द माइटी टी उसने क्या कहा कि मैंने एक बार में ही मैंने तीस लोगों को मारा है ठीक है और दो बड़े बड़े विशालकाय दैत्यों को भी मारा है दानवों को भी मारा है और एक भयानक अत्यंत तेज यूनिकॉर्न को भी मारा है और इसके अलावा मैंने एक जो काफी भयानक काफी शक्तिशाली भालू को भी उसके जो पंजे थे उनको भी आपस में जोड़ दिया है क्लैप करने पे उसको मजबूत कर दिया है मतलब कहने का अपनी बड़ा बताने लगा सो शुड आई बी अफ्रेड ऑफ द मैन इन द विंडो तो मुझे जो विंडो में जितने भी ये आदमी इनसे डरना क्या है आई कैन किल देम ऑल इन वन ब्लो मैं इन सबको एक बार में ही मार सकता हूँ मतलब अपनी बहादुरी की वो डींगे हाँकने लगा फिर से यहाँ पे अपने बचाव के लिए लिसनिंग टू दीज वर्ड फास्ट और जैसे ही सोल्जर्स ने उसके इन शब्दों को सुना तो सोल्जर्स क्या हुए डर गए और जितना तेज वहां से वो दौड़ सकते थे अपनी जान बचाने के लिए उतनी तेज वहां से भाग गए नॉट बी एबल टू सरवाइव लॉन्ग लेकिन अब इतना सब होने के बाद अब ट्रेलर को यह रियलाइज हो गया था कि वो अब यहाँ पे ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा नहीं रह पाएगा जिंदा क्योंकि अब रोज रोज कोई ना कोई राजा प्लान बनाएंगे और किसी ना किसी दिन सक्सेस हो जाएंगे सो ही गैडर्ड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइंस इसलिए उसने क्या किया एक झोला भर करके सोने के सिक्के उसने इकट्ठे किए एंड फ्लेट फ्रॉम द किंगडम द सेम नाइट और उसके बाद वहां से किंगडम से चल भाग गया ठीक इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है ठीक तो कहने का मतलब जो हमें चैप्टर से स्टोरी से हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी मुसीबत कितनी भी बड़ी हो परिस्थितियां कुछ भी हो ठीक है दो सीखें मिलती हैं हमें पहली सीख तो ये मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो कितनी भी आ, आ, जो परिस्थितियां हैं कितनी भी खराब हो ठीक है हमारे हक में ना हो लेकिन हमें कभी भी अपना साहस अपना धैर्य और अपना बुद्धि नहीं खोनी चाहिए मतलब घबराना नहीं चाहिए साहस और बुद्धि से अपना काम करना चाहिए ठीक और और उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए सॉल्यूशन जरूर मिलेगा ठीक है और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी हमें अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमें मुसीबत में एक न एक दिन डाल देंगे हमें अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ठीक है नहीं तो वो हमें एक न एक दिन हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत बन जाएंगी ठीक तो इस तरह से हमारे चैप्टर खत्म होता है होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड एट लास्ट आई वु लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल टू मेंटेन प्रॉपर नोट्स ओके कहने का मतलब ये कि आप लोग अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन करते रहिए ठीक और इसके अलावा जो आपकी डाउट्स हों कोई टॉपिक समझ में, में नहीं आया है कोई वर्ड समझ में नहीं आया है ठीक है जो भी आपके डाउट्स हों ठीक है सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही हो तो अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा थैंक यू गुड